हे व्हाट्सअप गाइस, तो मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। तो यार आज की वीडियो मेरी बेसिकली व्हाट्सएप की ट्रिक्स और एप्लीकेशंस पर होने वाली है। अगर आप उन एप्लीकेशंस को और ट्रिक्स को अगर डेली यूज में यूज करते हो तो आपका व्हाट्सएप का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज्यादा एनहेंस हो जाएगा, साथ ही में आपकी टाइम की बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी। आज की इस वीडियो में आपको तीन एप्लीकेशन ऐसी बताऊंगा जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा एनहेंस कर सकते हो, और एक सीक्रेट बात। और यार इस वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन ऐसी बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के या फिर किसी के भी व्हाट्सएप पे वॉच रख सकते हो, वो भी बिना उसके मोबाइल को छुए, बिना कोई लिंक सेंड करे। तो यार इस वीडियो को पूरा देख लेना, अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि वो जो वीडियो जो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ ना मैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा शानदार है, वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है। तो यार बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा, एक लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, क्योंकि यार आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप सबसे पहले उससे नोटिफाई हो पाओ। तो चलिए यार बिना देरी करते हुए चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो यार तीनों एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले चलिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहली अपनी जो एप्लीकेशन है वो है व्हाट्स टूल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार इस एप्लीकेशन से आपको क्या मदद मिलेगी, आप अगर देखना चाहते हो कि आपके पास कोई नंबर है, आप देखना चाहते हो उससे व्हाट्सएप बना हुआ है या नहीं है, आपने कभी उससे बात करी है या नहीं है, तो इस नंबर को उस नंबर को आप यहाँ पर डाल दीजिए, और यहाँ पर डालते ही आप जैसे ही एरो पर क्लिक करेंगे तो वो नंबर आपके सामने आ जाएगा व्हाट्सएप पर है या नहीं है। तो चलिए जैसे मैं इस नंबर को डाल देता हूँ, जैसे ही मैंने ये नंबर डाला और मैंने एरो पर क्लिक करा तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं एरो पे क्लिक करता हूँ मेरे जो व्हाट्सएप है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, और इस नंबर पर जो भी मेरी बात हुई है वो सारी चैट्स खुल जाती हैं। ये एप्लीकेशन तब बहुत यूज़ आएगी जब आपको पता नहीं है कि आपने कोई नंबर से बात करी है या नहीं करी, तो इसके थ्रू आप उस नंबर को वहाँ पर डाल सकते हो, नंबर के थ्रू आप पूरी अपनी व्हाट्सएप चैट खोल सकते हो कि आपने किस किस से बात, मतलब उससे क्या क्या बात करी है। तो सिंपल, ये एक बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन थी, इसका जो खास ज़्यादा खास यूज़ नहीं था। ठीक है, अपनी जो सेकंड एप्लीकेशन है उसका नाम है टेक्सपेंड। आप देख सकते हो टेक्सपेंड को, आपको ये भी आपकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी एसेसिबिलिटी आपको ऑन कर देनी है, ऑन करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपल आपको पता है क्या करना है इसमें, आपको ये जो नीचे थ्री डॉट दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी शॉर्टकट यूज़ करना है, जैसे कि अगर मुझे एड्रेस का शॉर्टकट लगाना है तो मैं ऐड लिख देता हूँ इस पर। ठीक है, यहाँ पर आपने शॉर्टकट में ऐड लिख दिया और फ्रेज में आपने क्या है अपना पूरा एड्रेस लिख दिया। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कुछ भी लिख रहा हूँ उसमें। ठीक है, बस आपको इतना करना है। ठीक है, आपने ऐड लिखा, ये ऐड लिख दिया आपने, अब चलिए इसको बैक कर देता हूँ मैं। तो यहाँ देख सकते हो आप ऐड, जैसे ही आप व्हाट्सएप पर अपने ऐड लिखोगे जैसे ही ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लिखी आ जाएंगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अपना व्हाट्सएप ओपन करके। तो चलिए मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। ठीक है, WhatsApp ओपन कर लिया है मैंने, यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं ए डी लिखूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो आप राइट का निशान आ गया। जैसे इस राइट के निशान पर आप क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपने जो वहाँ सेव करा है वो सब चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। जैसे ही आप ऐड लिखोगे तो यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा, राइट पर क्लिक करोगे तो वो सारी चीज़ें लिखी आ जाएंगी जो आपने वहाँ पर डाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है जिसके थ्रू आप मतलब छोटे से मतलब एक शॉर्टकट में अपना पूरा एड्रेस दे सकते हो, एड्रेस दे सकते हो, मतलब कुछ भी दे सकते हो, कुछ कह सकते हो, मतलब आप बहुत सारे शॉर्टकट बना के वहाँ पर सेव कर सकते हो। जैसे कि कोई भी शॉर्टकट बना के सेव कर दिया और उसमें एक बड़ा सा अच्छा सा मैसेज लिख दिया, तो आप जैसे ही उसको यहाँ टाइप करोगे शॉर्टकट को, जैसे ही राइट के निशान पर क्लिक करोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी आ जाएंगी। तो यार इस एप्लीकेशन के थ्रू आपकी जो व्हाट्सएप यूज़ करने का एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा एनहेंस होने वाला है, और आपका टाइम भी बहुत ही ज़्यादा बचने वाला है। ठीक है, तो चलिए फाइनली अपन चलते हैं अपनी लास्ट एप्लीकेशन की तरफ, जो कि मैंने बताया था जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर किसी वक्त का भी नंबर डाल के जान सकते हो वो व्हाट्सएप कब चलाता है कब नहीं चलाता है। तो इसका नाम है लॉगिफाई, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिंपल आपको ये ओपन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन होने देते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पर ऐड फोन का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर ऐड फोन पे क्लिक करना है। ऐड फोन पे क्लिक करने के बाद आपको +93 पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर इंडिया मिल जाएगा, आपको नीचे ही नीचे देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको इंडिया चूज़ कर लेना है। तो चलिए मैं इंडिया चूज़ कर लेता हूँ।
तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने इंडिया चूज़ कर लिया है। इंडिया चूज़ करने का सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, जो भी फ़ोन नंबर की जानकारी आप लेना चाहते हो वो फ़ोन नंबर डाल देना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। इसके बाद आपको उसका नाम यहाँ पर लिख देना है, तो मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पर। राइट के बटन पर क्लिक करना है और फॉलो कर देना है। फॉलो को जैसे ही आप करोगे तो कुछ प्रोसेसिंग आपके सामने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको नेट होना ज़रूरी है, विदाउट नेट आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ लिख सक देख लीजिए, लिखा गया कॉन्ग्रेट्स, इट विल बी रेडी इन 2 मिनट्स। तो 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब मैं अपना जो दूसरा फ़ोन है, जो नंबर मैंने डाला है, उसको भी यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो यार आप देख सकते हो मैंने यहाँ दोनों दूसरा फ़ोन भी अपना ऑन कर लिया है। अब मैं इसके व्हाट्सएप पर जाता हूँ। जैसे ही मैं इसके व्हाट्सएप को ऑन करूँगा तो यहाँ आप देख पाओगे यहाँ पर लिखा आ चुका है राज इज़ ऑनलाइन, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, 15:16, मतलब 3:16, ठीक है। थोड़ी देर अपन एक दूसरे से बात करते हैं। तो यार अगर वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यार आपका 1 लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और मैं आपके लिए जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आ पाऊँगा उस लाइक के थ्रू, क्योंकि यार मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँगा, ठीक है। तो आपको बस यही करना है। अब देख लीजिए जैसे ही मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप को बंद करने के बाद इसको रीसेंट ऐप में से हटा देता हूँ, यहाँ पर लिखा आ जाएगा राज इज़ ऑफलाइन, ठीक है। जैसे ही मैं ऑनलाइन आ गया, ऑफलाइन गया, ऑफलाइन आ गया। अब दोबारा दिखा देता हूँ मैं, देख लीजिए व्हाट्सएप में ऑन करता हूँ, जैसे ही ऑन किया यहाँ पर लिखा आ गया राज इज़ ऑनलाइन। अब यहाँ जो एरो लगा हुआ है, एरो पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा टाइम मिल जाएगा कि मैं कितने बार ऑनलाइन आया हूँ, कितने कितने टाइम के लिए ऑनलाइन आया हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 बार लॉगिन कराया, 1 बार मैंने पहले लॉगिन कर लिया था, 2 बार आपके सामने लॉगिन कराए, ठीक है। 3:16 पर लॉगिन कराए, और मैं 3:16 पर 18 सेकंड पर लॉगिन कराया, और 3:53 पर लॉग आउट हुआ था, मतलब 35 सेकंड इस एप्लीकेशन में रहा था, व्हाट्सएप पर रहा था, ठीक है। तो इसके थ्रू यार आप मतलब पहचान पता कर सकते हो कि जिसका भी आप नंबर डालते हो उसका पता कर सकते हो कि वो कितनी देर ऑनलाइन रहा है, कितनी बार ऑनलाइन आया है, और कितने टाइम तक ऑनलाइन रहा है। तो यार ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत ही धमाकेदार एप्लीकेशन है। इससे आप किसी का भी पता लगा सकते हो, जो भी आप नंबर डालोगे उस नंबर का पता लगा सकते हो, वो कितनी बार ऑनलाइन आया और कितने टाइम तक ऑनलाइन रहा है, कितने बजे से कितने बजे तक। तो यार बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, 3 एप्लीकेशंस थी जो कि मुझे लगता है कि आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़ आने वाली हैं। तो यार बस चलता हूँ, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।